मेरा जीवन कैसा है, मेरी विधा कैसी, मेरी शैली कैसी है, मेरे चलने का क्रम कैसा है, कैसा है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। महाराज देखो, आपने देखा प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, उस समय तो आपने जिस समय आया तो हम तो ऐसे बैठे थे, तो हमने कहा कि अभी तो करीब पौन घंटा एक घंटा में यात्रा हमारी हो रही है, तो देखा कि एकदम से तो आपने हम तुरंत तक का, और जब से आए तब से बरसा हो तो बता दी बीच बरसा था, हमने रोक दिया, तब रोक लेते हम आए तब चलो रुक गया पंडित जी, अच्छी बात है भाई, बरसात कौन करता है, मेघ करते हैं है तो वो सुरेश है जी अपने मतलब लड़की निकालेगा गलत हो तो बताओ भाई, हाँ सही है, रुके देखो अभी रुके रहना, जब हम जब तक हम कहा जब ये चले तो रास्ता बंद कर देना, आगे जाने न देना। चलिए मैं कठिन पंथ का संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं, वासना चुनौती भरा एक अभियान है महाराज, परम शक्ति पंथ का।
कठिन मार्ग, सरल मार्ग, वेद मार्ग निश्चित कर दिए। कठिन मार्ग तो कहा ज्ञान के पंथ, ज्ञान के पंथ ऐसे भी चलही चलही उपंथ वेद माग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भारे वंशक भगत कहाये राम के किंकर कंचन को है काम के। तो मैं चल रहा हूं परामर्श उसी पंथ पर पर चलते जन साधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मत पूछो मुनि कारण क्यों। मैं करता हूं ये मेरा है, मैं करता हूं यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश तब पथ के अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आश। दशरथ